एरिया वाइज।
करना एक तरीके से नेट सेट करना, तो वाईफाई देती है किसी तो हेलो 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 जो भी आवाज है यस सर हमारी आवाज यस सर हां हेलो यस सर आवाज आ यस रही सर आ रही यस है सर आ रहे हैं हेलो पहले नहीं आ रही थी हाँ यस सर हेलो हाँ केसरी हेलो हेलो हाँ केसरी यस सर यस सर हाँ बाकी लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया सब लोग ज्वाइन किया है सर हाँ बाकी लोगों को पता नहीं रहता है कभी नहीं तो कभी इन्फॉर्म करूँ ना बाकी लोगों को सर आपने तो मैसेज करा है ना ग्रुप में ये है लेकिन कॉल करो जिन्होंने मैसेज नहीं देखा है आप में से सब एक एक जने को कॉल करो है ना तो मेरा टाइम यही रहता है ना 12 बजे का अल्टरनेट फिर क्यों नहीं पता लगा चैट बॉक्स में पी टाइप करो सभी हेलो चैट बॉक्स में पी कोमल आज लेट कैसे हो गया हेलो यस सर कोमल लेट कैसे हो गया आज सर ध्यान नहीं रहा मेरे को एकदम से सर निकल गया था लाइब्रेरी में बैठा था जो अभी एकदम लाइब्रेरी में बैठा है क्या हाँ सर बाहर आ गया अभी लाइब्रेरी से मोबाइल से चला रहे हैं हाँ सर बोले वहाँ लाइब्रेरी में अच्छा चलता है सर वाईफाई इससे वहाँ पे आ जाएगा बाकी लोग आज अटेंडेंस कम क्यों है यार 80 है बस बाकी लोग कहाँ गए आते ही नहीं एक बार ग्रुप में मैसेज भेज दूँ हाँ ग्रुप में लिंक भेजना भेज है देता हूँ मतलब कम से कम 20 तो होने चाहिए 25 तक मैसेज कर ग्रुप में हाँ सर ठीक है सर
स्टार्ट करें? यस सर, कर लो सर, स्टार्टमेंट भेज दीजिए लिंक भी। सर टोटल 13 है। हाँ टोटल 13 है सर। 13 में मैं भी हूँ एक। हाँ सर स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, एग्जांपल स्पीड, फ्यूल एंड एयर कंजप्शन, पावर, IHP, BHP एंड FHP, H यानी हॉर्स, P यानी पावर, I इंडिकेटेड, B ब्रेक एंड F फ्रिक्शनल। एफिशिएंसी थर्मल, मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक। एमिशन मेजरमेंट, इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग एमिशंस। The factor important to an engine users are, first है engine performance, fuel consumption, engine noise and air pollutant emissions, initial cost, then reliability and durability of the engine, its maintenance requirements and how these affect engine availability and operating cost. Maximum rated power, the highest power an engine is allowed to develop for a short period of operation. Normal rated power, the highest power an engine is allowed to develop in continuous operation. And the rated speed, the crankshaft rotation speed at which rated power is developed. Now, अब आते हैं अपन geometric properties of reciprocating engine. Compression ratio, आपको पता है compression ratio? VC plus VD upon VC. इसमें VC क्या है? Hello. हेलो गौरव, वीसी क्या है इसमें? क्लीयरेंस वॉल्यूम सर, क्लीयरेंस वॉल्यूम। और वीडी? वीडी डिस्प्लेसमेंट। वीडी क्या है? इधर देखो, स्वेप्ट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम है सर। स्वेप्ट रेशियो ऑफ सिलेंडर बोर टू पिस्टन स्ट्रोक, L अपॉन D। अगर L अपॉन D एक से ज्यादा है तो क्या हो गया? लो स्पीड। और एक से छोटा है तो हाई स्पीड। रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू क्रैंक रेडियस, स्ट्रोक एंड क्रैंक रेडियस आर रिलेटेड बाय L इक्वल टू 2A। स्पीड क्या हो गई है? 2LN, है ना? N क्या है इसमें? RPM। इंजन परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द इंजन परफॉर्म इट्स असाइंड टास्क। The conversion of chemical energy content in the fuel into the useful mechanical work. इसमें क्या होता है? अपन chemical reaction होती है, जो fuel होता है वो burn होता है, वो क्या होता है? Chemical reaction with oxygen. Oxygen के साथ fuel की chemical reaction होती है और उससे अपन को useful mechanical work मिलता है।
परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। फर्स्ट इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर अपन को फ्यूल बर्न होने से जो पावर मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटेड पावर, और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो मीन प्रेशर हो गया। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, पर यूनिट पावर आउटपुट के लिए जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट पावर आउटपुट। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो ब्रेक पावर है उसका मीन और इफेक्टिव प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इफेक्टिव मीन इफेक्टिव प्रेशर। एंड टॉर्क, टॉर्क भी बोल सकते हैं। पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्यूल एयर रेशियो, रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन एयर, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना होता है। हेलो, फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग के लिए कितनी एयर रिक्वायर होती है उसका रेशियो होता है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, कोई बताएगा आप में से? हेलो कोमल, हेलो सर, ध्यान कंफर्म पता नहीं सर इसका। तो ये अभी तक आया नहीं क्या आपके इसमें सिलेबस में? नहीं सर। हाँ? नहीं सर, नहीं आया, नहीं आया। अराउंड 13.5 होता है ना? ओके सर, मतलब ये सर फ्यूल 8.5% क्या, मतलब एयर का परसेंटेज 30.5% एयर रहनी चाहिए कंप्लीट बर्न के लिए? नहीं, मास, मास में होगा, मास एयर का मास है ना, जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं कंप्लीट बर्निंग के लिए जो फ्यूल का मास है उसका 13.5 टाइम्स एयर का मास होना चाहिए। ठीक है सर, टाइम्स मत है ना, उसमें से भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है एयर के अंदर, 21%। हां 21% हुआ, तो 13.5 का 21% निकालो, आप कैलकुलेट करो अभी कितना आ रहा है, 31/20/6.2% के आसपास है सर। तो जो फ्यूल है उसका मास और ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास 6.25% ज्यादा होना चाहिए तब जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट वो फ्यूल बर्न हो पाएगा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो पाएगी फ्यूल और ऑक्सीजन की। ठीक है सर। हाँ सर, द टोटल पावर डेवलप्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज मोर देन द बीपी एंड इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। मैंने बता चुका हूँ ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय इंजन, सम पावर इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स एंड सम इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द एयर एंड रिमूविंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फ्रॉम द इंजन कंबशन चैम्बर। ठीक है, इसमें कुछ लॉसेस हो जाएंगे है ना, इंडिकेटेड पावर तो फ्यूल बर्न होने से जो पावर हुई उसके बाद जो अपन को व्हील, लास्ट जो व्हील है उस पर जो पावर आउट अपन को पावर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक पावर, और जो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होगी फ्रिक्शन पावर जो अपनी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इंडिकेटेड पावर Indicated power is developed in the cylinder and thus form a basic evaluation and combustion efficiency of the heat released in the cylinder. ये हो गया indicated pressure, mean indicated pressure into L A N K से apply करेंगे, ये indicated mean effective pressure हो गया, length of stroke हो गया, area of the piston हो गया, ये rotational speed पर सेकंड हो गया, एंड के हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर। फोर स्ट्रोक के लिए अपन एन बाई टू यूज करेंगे। पावर आउटपुट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर, अपने पास मीन इफेक्टिव प्रेशर है तो अपन इंडिकेटेड पावर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लेना।
indicated mean effective pressure. The mean effective pressure is defined as the hypothetical average pressure which is assumed to be acting on the piston through the power stroke. Brake power जो लास्ट व्हील है अपन उसमें जितना ब्रेक लगाएंगे उसके अंदर उतनी पावर है. ब्रेक लगा के अपने जितना फोर्स अप्लाई किया और उसको रोक दिया, यानी उसकी पावर जो भी थी उसको अपन ने जीरो कर दिया, तो अपने जितनी फोर्स जितनी अपन ने पावर अप्लाई की उतनी उसके अंदर थी, है ना. तो सपोज करो टॉर्क टी है, तो अपन ने जितना टॉर्क उसको रोकने के लगाया उतना ही टॉर्क उसके अंदर पहले था, है ना. यस सर. ठीक है. द पावर पी डिलीवर्ड बाई द इंजन एंड इज अब्सॉर्ब बाई द डायनामोमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड. पावर क्या हो गया 2 पाई एन टी. ठीक है, ये तो टॉर्क हो गया और 2 पाई एन क्या हो गई, हेलो स्पीड हो गई. यस सर, स्पीड रोटेशन रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गई 2 पाई टी हो गया टॉर्क. ठीक है, तो अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं. सपोज करो अपन स्कूटर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल बाइक कुछ भी चलाते हैं, तो अपन जो ब्रेक लगाते हैं उस ब्रेक से अपन कितनी पावर लगाते हैं, उतनी पावर जितनी पावर उसके अंदर थी पहले से, तभी तो अपन ने उसको रोका जीरो करने के लिए. हेलो हाँ कोमल. हाँ सर सही है, अपन जितना उसमें पावर जनरेट हो रही है उतना लगाना पड़ेगा अपने को. लैब में जो इंजन है उसमें भी ब्रेक डायनामोमीटर लगा हुआ है, उसमें क्या होगा इंजन चलेगा, इंजन से जो एक व्हील अटैच है वो मूव करेगा, तो अपन उस व्हील को जितनी पावर पर रोकेंगे अपन उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पावर इंजन से डेवलप हो रही है. जितनी पावर अप्लाई करने पर अगर वो व्हील स्टेशनरी हो जाएगा मतलब रुक जाएगा वो, है ना, मूवमेंट उसके अंदर खत्म हो जाएगा, तो उतनी पावर उसके अंदर है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Brake power. The main purpose of running an engine is to generate mechanical power. Power is defined as the rate of doing work and equal to the product of force and linear velocity, or the product of torque and angular velocity. Angular velocity के term में torque आएगा और force आएगा linear velocity के term में. ठीक है. The measurement of power involves measurement of force as well as speed. Force को अपन कैसे measure कर सकते हैं dynamometer से और speed को tachometer से. अगर अपन ने ये दोनों measure कर लिए तो अपन निकाल सकते हैं. The power developed by an engine is the output shaft is called the brake power. 2 pi n t where t is the torque and n is the rotational speed revolution per second. If the mean effective pressure is based on BP, called the brake mean effective pressure. The friction mean effective pressure, FEMP, can be defined as the IMEP minus BMEP. Indicated mean effective pressure minus brake mean effective pressure equal to friction mean effective pressure. The torque is related to mean effective pressure.
ये रहा है ना, ये तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया, एल ए एन के, ठीक है, ये पावर हो गई। अच्छा ये टॉर्क है ना, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ टॉर्क आ जाएगा। पावर क्या है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है, आई पी एल ए के, thus the torque and the mean effective pressure are related by an engine size, k आ रहा है ना लास्ट में, a large engine produce more torque for the same mean effective pressure, mean effective pressure is the true indication of the relative performance of different engines, higher the mean effective pressure higher will be the power developed by the engine। इसमें ये देखो इंडिकेटेड पावर है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, के नंबर ऑफ सिलेंडर, ये हो गया एरिया ऑफ पिस्टन, हो गया रोटेशनल स्पीड हो गई, और ये एल क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो एल के प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर डिपेंड कर रहा है ये पावर, ठीक है, तो टॉर्क भी लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर, ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक के बारे में है। इंजन साइज, ये इंजन साइज क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर डिपेंड हो गया। The mean effective pressure is based on BP. It's called the brake mean effective pressure. ये हो गया। ठीक है? The torque, brake mean effective pressure into A into L into K upon 2 pi. क्या आ जाएगा? Torque. ये हो गया था, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्स किलोग्राम पर आवर अपॉन पावर किलोवाट, ये हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी पर यूनिट पावर आउटपुट के लिए, वन किलोवाट के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अगर ये डेनोमीटर वन हो जाए तो जो फ्यूल कंज्यूम हुआ वन किलोवाट के लिए, हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। बीएफएससी क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यहाँ पे अगर ब्रेक पावर लेंगे तो बीएसएफसी हो जाएगा, और इस इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जहाँ पे इंडिकेटेड पावर यूज करेंगे तो, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू दैट ऑफ द केमिकल एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल सप्लाई। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट क्या हो गया, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल यानी इंडिकेटेड पावर, और आउटपुट क्या हो गया, ब्रेक पावर। इट इज द ट्रू इंडिकेशन ऑफ द एफिशिएंसी विद व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गई, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो गई। सीवी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है, एमएफ है मास ऑफ फ्यूल, और ये कैलोरीफिक वैल्यू, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एम एफ किलोग्राम पर सेकेंड, इसको नीचे ले लेंगे तो ब्रेक पावर इनटू
सी भी हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, BSFC हो गया, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, MF अपॉन ब्रेक पावर, BSFC इनटू CV, और ये 3600 क्यों आया, इसको अपन ने वाट में कन्वर्ट कर दिया है ना, हेलो यस सर हेलो हाँ कोमल आवाज आ रही है यस सर हाँ सर आ रही है कोई डाउट है क्या अभी तक हेलो नहीं सर अभी तक तो सब सही है और एक कंफ्यूजन था मतलब से एक रिक्वेस्ट थी हाँ बोलो सर ये आपके पास जो PPT है ना सर इसको सर आप एक बार शेयर कर देना तो हम घर बैठ के पढ़ लेंगे एक बार सही से हाँ सर एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में कैसे शेयर होगी है सर ग्रुप में व्हाट्सएप पे अच्छा ग्रुप में ठीक है जी सर ग्रुप में शेयर कर व्हाट्सएप पे शेयर कर देना हाँ सर या फिर मैं आज कॉलेज आऊंगा तो सब मैं ले जाऊंगा जी सर ठीक है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ओके सर ठीक है आज टाइम हो गया यार ये नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है ठीक है सर ओके ओके सर थैंक यू